हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग का एक बार फिर से मेरे नए और फ्रेश ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम लोग सीहोर जा रहे हैं, जो कि वहीं पर नवोदय विद्यालय है। तो आप लोग वहीं पर मैं घुमाऊंगा और पूरे नवोदय विद्यालय का रिव्यू करेंगे कैसा है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो मैं आऊँगा और मेरे साथ गोलू भैया हैं, जो वहीं से अपना 12th कम्प्लीट किए हुए नवोदय विद्यालय से ही। तो मैं और गोलू भैया जाएंगे, तो चलिए फिर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ का पूरा व्यू। सभी है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है। गाइस, अभी हम लोग मस्त जा रहे थे सीवर, लेकिन रास्ते में पंगा हो गया और हम लोग का जो बाइक था, आप लोग देख सकते हैं पीछे, वो पंचर हो चुका है। तो अभी यहाँ पे पंचर बनाएंगे और फिर चलेंगे। तो पकड़िए ब्लॉग में गाइस, पूरी तरीके से पोपट हो गया हम लोग का, जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो गाइस, अभी हम लोग मार्केट के अंदर जाने ही वाले हैं और यहाँ पर ये तो थोड़ा सा गुल भाई मेरे साथ आए हुए हैं, तो उनको अपनी चीज़ों को गिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा सिल्वर का पेन लेना था, तो इसीलिए यहाँ पर रुके हुए हैं और थोड़ा देर वेट करेंगे और फिर पेन लेकर सीधा चलेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि आज क्या है, आज 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे है, तो सभी लोग अपने टीचर्स को गिफ्ट करते हैं, तो इसीलिए बस गुलवाई जी ले रहे थे और हम लोग यहाँ से चलेंगे सीधा सीवर नवोदय स्कूल में और दिखाएंगे आप लोग वहाँ पर कैसे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। तो वह ब्लॉग के साथ। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग जवाहर नवोदय यानी विद्यालय यानी कि सीवर के अंदर अभी हम लोग आ चुके हैं और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसकी बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी बड़ा स्पेस है इसके अंदर, और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये ग्राउंड एरिया है। और अभी तो हम लोग बॉयज़ हॉस्टल के पास में खड़े हैं, लेकिन आगे टीचर्स हॉस्टल है, उसके बाद फिर मेन जो ऑफिस है वो है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं सीवर आया था, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को पूरा नवोदय विद्यालय दिखाते चलें। तो मैं आप लोगों को पूरा नवोदय विद्यालय दिखाता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है और कैसी फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है नवोदय के स्टूडेंट्स का लाइफ। और गाइस, मेरा पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा था कि मैं पटना गया था, तो 3-4 दिन पहले बस मैं पटना से आया था। तो अभी गोलू भैया थे जो यहीं मतलब कि नवोदय विद्यालय से अभी क्वालिफाई किए हुए हैं अपना 12th, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ चलकर एक वीडियो बनाया जाए, और इसी चीज़ को सोचकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. Hey guys, अभी हम लोग नवोदय हॉस्टल के अंदर हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ इसका पूरा व्यू। The web, I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय सीवर नवोदय विद्यालय के मेस में, जहाँ पर बच्चे यहीं पे खाना खाते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है अंदर और काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो लगभग यहाँ पर एक साथ 500 बच्चे बैठकर खाना खा सकते हैं। तो गाइस देखिए, आप लोग काफ़ी फैसिलिटीज है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी, हाइजेनिक भी आप लोग दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए और कुछ देखते हैं और क्या कुछ है। तो मेरे आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये नवोदय विद्यालय का मेन बिल्डिंग है और लगभग मैंने पूरा विद्यालय कवर कर ही लिया है और थोड़ा बहुत छूट भी गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय की बात करूँ तो मैं सीवर के अंदर ही आता है, और काफ़ी सीवर ऐसे तो काफ़ी छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके अंदर इतना बड़ा एक विद्यालय ये मायने रखता है गाइज़। तो अभी हम लोग नवोदय के अंदर ही हैं
और आई होप कि ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।